पहले मुर्गी आई या अंडा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हर इंसान के दिमाग में ज़रूर आता है। तो आइए जानते हैं कुरान पाक में इसके बारे में क्या जिक्र है। दोस्तों, ये सवाल सुनने के बाद अक्सर लोग चुप हो जाते हैं और अपनी अकल पर जोर डालने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुर्गी के अंदर जो ओवरीज पाई जाती है, उन ओवरीज की वजह से ही अंडा वजूद में आता है। ये सिर्फ मुर्गी में ही पाई जाती है, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि मुर्गी के बिना अंडा नहीं बन सकता। तो आइए जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। और हमने हर चीज़ जोड़े में बनाई ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। एक जगह और इरशाद है, पाक है वो जिसने सब जोड़े बनाए। तो कुरान की इस आयत से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ जोड़े के साथ उतारी, जिससे उनकी नस्लें आगे बढ़ी। अगर हम यही ख्याल करने लग जाए कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा, तो फिर मुर्गा कहाँ से आया? लेकिन कुरान में पहले से ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ जोड़े से बनाई और उन्हीं जोड़ों से उनकी नस्लें आगे बढ़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आगे शेयर करें और मज़ीद इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।